छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा में सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोध परक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया। नवक्रांति हेतु संकल्पित सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नवक्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेश व्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। बिजावर कार्यक्रम में जयस प्रभारी डॉक्टर अरुण यादव ने कहा, हम हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित कराई जावे। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित कराना एवं प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने हेतु प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराना। प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराना तथा परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले के लिए उत्कृष्ट श्रेणी एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण सुनिश्चित कराना। सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विश्व प्रसिद्ध नेटवर्क स्थापित कर प्रसंस्करित कृषि उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना व राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम विकसित करना। कार्यक्रम के समापन के समय पहुंचे थाना प्रभारी बिजावर, उन्होंने कहा, बिना परमिशन आपने कार्यक्रम किया है जिसके लिए आपको पहले भी परमिशन लेने के लिए कहा गया है। कुछ करके चालू करना चाहिए ना, बोलना तो नहीं कर सकता मैं। अब क्या पूछना चाहते हैं, किस प्रकार से युवाओं को अपने यहाँ से रोजगार मिलेगा, किस प्रकार से अपने प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने इस बात का अध्ययन किया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इसका निराकरण कैसे संभव है। और निराकरण की बात पर हम तब जा सकते हैं जब उस समस्या के मूल पे जाए। तो मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो मेरे सामने 5 मुद्दे आए। पहला मुद्दा तो ये हुआ कि जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी, वो 68 तक पहुँच गई और भारत सरकार के EPFO ने 5 साल और बढ़ाने की अनुशंसा कर दिया, तो 70 से 73 साल सेवानिवृत्ति आयु हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। फिर हम इसके समाधान की ओर बढ़े तो हमने 31 जुलाई 2024 को 58 साल यदि सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी रिटायर होंगे, इसके आंकड़े बताए। हमारे सामने आंकड़े आए, 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय निगम मंडल बोर्ड और उपक्रमों के रिटायर हो गए। तो निश्चित रूप से हमने संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को हम युवा दिवस